नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि गुजरात की आर्थिक राजधानी सूरत में, जहां पर करोड़ों का डायमंड और टेक्सटाइल का हब माना जाता है, ऐसे शहर में अगर ब्याजखोरों के आतंक से आम जनता अगर त्रस्त हो गई हो तो आखिर किसके पास आम जनता जा सकती है। ऐसे में सूरत पुलिस कहीं ना कहीं एक बेहद सराहनीय काम जो है आम जनता के लिए लाई है, क्योंकि अब आम जनता को पुलिस दिलाएगी उनको पैसे। कैसे देगी? इस पूरे मामले में आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक सूरत पुलिस ने एक आयोजन किया था, जहां पर कई बैंकों को जो है इसमें सम्मिलित किया गया था, और जिन व्यक्तियों को पैसे की जरूरत है, जो बड़े ब्याज पर, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पर, दूसरों से ब्याज पर पैसे लिया करते थे, ऐसे लोगों से छुटकारा देकर खुद सूरत पुलिस ने एक बेहतरीन काम करने का जो है संदेश देश को दिया है। आपको बता दें, दो दिन पहले सूरत इंडोर स्टेडियम के भीतर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और सूरत पुलिस कमिश्नर, सूरत कलेक्टर तथा अन्य जो गण हैं भारतीय जनता पार्टी के और सूरत पुलिस की ओर से एक प्रोग्राम किया गया था, जहां पर करीबन कई सारे लोगों को जिन बैंकों ने लोन दिया है उसका चेक वितरण का कार्यक्रम किया गया था। तो कहीं ना कहीं सूरत पुलिस का एक बेहतरीन जो है एक वर्क जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि सूरत एक ऐसा शहर है जहां पर एक आम जनता आराम से जी सकता है और अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। ऐसे में ब्याजखोरों से मुक्त करने के लिए सूरत पुलिस ने एक बीड़ा उठाई थी। इस मुहिम में सूरत पुलिस ही नहीं बल्कि कई अन्य लोग जो है इसमें शामिल हैं, क्योंकि आम जनता जो है ब्याजखोरों से बड़े पैमाने पर जो है उनके पास से इंटरेस्ट लिया जाता था। यही नहीं, इंटरेस्ट देने के बावजूद भी उनसे उनकी गाड़ियां, उनके घर, उनकी जमीन और जायदाद भी जब्त किया करते थे ब्याजखोरों ने। उसी की त्रस्त से सूरत पुलिस द्वारा और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के आदेश के बाद सूरत पुलिस ने एक बेहतरीन जो काम किया है वो कहीं ना कहीं एक बेहद सराहनीय माना जाता है। अब देखना ये होगा कि इस मुहिम में आखिर आम जनता को कितना फायदा होता है और ब्याजखोरों से कितनी जल्दी हल निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। सूरत से कैमरामैन उमंग के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत।